नमस्कार दोस्तों, न्यूज इन्फो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं कि डीपीओ ने शिक्षक को फेंका छत से। औरंगाबाद के डीपीओ द्वारा एक नियोजित शिक्षक को छत से फेंके जाने का मामला सोमवार को सदन में उठा। प्रश्नोत्तर काल आरंभ होने के साथ ही विपक्ष ने मामले को उठाया। फिर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अवधेश कुमार सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह गंभीर मामला है और अगर डीपीओ 5-6 वर्षों से एक ही जगह जमा है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मानसून सत्र के 7वें दिन प्रथम पाली करीब 71 मिनट चली। इस दौरान विपक्ष ने कई मसलों में हस्तक्षेप तो किया लेकिन कार्रवाई बाधित नहीं की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। अलबत्ता सदन आरंभ होने के पूर्व माले विधायक महबूब आलम और सुदामा प्रसाद ने बेरोजगारी, गरीबी और झोपड़ियां हटाने के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। एक शिक्षक के साथ इस तरह का बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए सभी शिक्षक संघों को एकजुट होकर इस डीपीओ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसे जल्द से जल्द बर्खास्त करवाना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।